जय श्री राम दोस्तों, वंदे वास्तु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर आपके घर के दक्षिण पूर्व दिशा में टॉयलेट बना हुआ है तो वो वास्तु अनुरूप सही है या गलत। अगर वो गलत है तो उसके क्या उपाय है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उपायों के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दक्षिण पूर्व दिशा यानि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये दिशा बहुत क्रोधी मगर संवेदनशील प्राणी की तरह शुभ चिंतक मानी जाती है। यहाँ भगवान श्री अग्निदेव का वास होता है और शुक्र ग्रह इसके प्रतिनिधि ग्रह है। संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले सूर्य जब इस दिशा में प्रवेश करते हैं तो अपने सबसे प्रखर रूप में होते हैं। इसीलिए दक्षिण पूर्व दिशा हमेशा अग्नि संबंधी उपकरणों के लिए सही मानी जाती है। इस दिशा में अगर हम जल तत्वों को यानि जल तत्व राशियों को स्थापित करते हैं तो इससे अपने जीवन में दुर्घटनाएं एवं आग संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। दोस्तों, टॉयलेट ये जल तत्व का कारक है, इसीलिए हमें टॉयलेट को अपने घर के दक्षिण पूर्वी कोने में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने पर हमारे घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता है। पैसा उधार दिया तो वो वापस नहीं मिलता है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके पेमेंट मिलने में विलंब होता है। इसके अलावा हमारे घर के खर्चे बढ़ जाते हैं। घर में रहने वाले निवासियों के लिए अनपेक्षित समस्याएं पैदा होती है। ऐसा करने से कानूनी समस्याओं में फंसने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। यदि संभव हो तो आप अपने घर में बने हुए दक्षिण पूर्व कोने के टॉयलेट को वहाँ से हटा दें और उसे कहीं उत्तर पश्चिम दिशा के स्थान पर निर्माण करें। अगर किसी कारणवश आप उस टॉयलेट को नहीं शिफ्ट कर सकते हैं या उसे नहीं तोड़ सकते हैं तो हम आपको उसका एक उपाय बताते हैं। अगर आपने गलती से साउथ ईस्ट में टॉयलेट बनाया हुआ है तो उस टॉयलेट के साउथ वॉल पर अंदर से आपको लाल कलर का पेंट लगाना है। इसके अलावा उस टॉयलेट के अंदर और टॉयलेट के बाहर आपको एक लाल कलर का बल्ब 24 घंटे जलाए रखना है। ऐसा करने पर उस दिशा में अग्नि तत्व की ऊर्जाएं जागृत होंगी और उस दिशा में बना हुआ वास्तु दोष कम होने में मदद मिलेगी। याद रखें, उस टॉयलेट को आपको हमेशा ड्राई यानि सूखा रखना ज़रूरी है। ऐसा करने पर जल तत्व की ऊर्जा उस अग्नि तत्व की दिशा में कम होगी। उस दिशा में बने हुए टॉयलेट का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें और लाल कलर के बल्ब को हमेशा टॉयलेट के अंदर और टॉयलेट के बाहर आपको जलाए रखना है। इसके अलावा आध्यात्मिक ऊर्जा से भी आप उस दिशा में उत्पन्न हो रहा वास्तु दोष कम कर सकते हैं। इसके लिए आप श्री भगवान हनुमान जी को मंगलवार के दिन गुड़ और चने का भोग लगाकर उनके हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो सात मंगलवार श्री हनुमान जी को लाल लंगोट अर्पित करें। ऐसा करने पर
आपके घर में साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा में उत्पन्न हो रहे वास्तुदोष को आप पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं और भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो उसके संबंध में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अच्छे विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।